हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं जंगल में हिंगलाजगढ़ की माता जी ने, और यहाँ पे एक किला है बहुत ही पुराना। ये एमपी राजस्थान के बॉर्डर पे है, जो बानपुरा से महज 20 किलोमीटर होगा ना, 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो आज हम यहाँ पे आए, तो बने रहे के वीडियो के एंड तक बने रहना आपको, और पूरा देखना कितना अच्छा अच्छा सीन यहाँ पे जंगल का, एकदम मस्त डरावना सीन आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो देखियो हम कितने लोग आए हैं, आप पीछे कैमरे में देख सकते हो, देखो सामने भी देख सकते हो। ये काली परी आई है अभी, ये हमारे डोन साहब आए। अच्छा, ये जगन खेड़ी है, खुमकोट के डोन साहब, अमृत खेड़ी के। हाँ, अमृत खेड़ी, अमृत खेड़ी के। और अभी हम आगे का सीन आपको पीछे भी लेना। हाँ, ये हमारे पीछे देखो, ये हमारी पूरी पलटन है, हमारी मौसा जी है, हमारी मौसी है, हमारा हमारे बकवाल हो गए, हमारी मौसी है। तो ये सारे हम यहाँ पे आए हैं, देखो यहाँ पे हम माइक नहीं लाए, तो हमारी आवाज में आपको क्लियरिटी नहीं दिखा देगी। और ये हमारी छोटी सी मासी है, हमारे ये मेरे से भी छोटी है, इतनी छोटी है और इतनी बड़ी हूँ। हाँ, इतनी बड़ी हूँ। तो देखो जंगल का कितना अच्छा सीन है, जो सिटी के लोग रहते हैं, जिन्होंने बेचारों ने एक पेड़ तक नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, तो हम देखो जंगल उनको दिखाने जा रहे हैं। ये ऐसा रास्ता है, देखो फोटो नहीं वीडियो है, यूट्यूब। ये हमारी छोटी मौसी है, अबे फोटो नहीं, आ जाओ चलते जाओ, वीडियो की तरफ देखो मत कहीं। ये काली परी आ गई, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था। ये देखो मौसी आ गई, ये छोटा सा बच्चा, ये दोनों बच्चे आ गए, ये बहुत शैतान बच्चे है। तो चलो, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक, हम आपको पूरा एकदम जो राजा रानी के जो महल था वो दिखाएंगे आपको। तो देखो ये आप कितना हरियाली यहाँ पे है, देखो कितना पथरीला रास्ता है। ओ यहाँ पे फिसलना मत, ये फिसलने वाले पत्थर है, जिस गए पूरे, अभी दांत मुंडा टूट जाएगा। दोस्तों हिंगलाजगढ़ के किले में यहाँ एक बहुत पुरानी बावड़ी भी है, जिसे उस जमाने में पानी पीने के लिए और स्नान के लिए काम में लेते थे। आप देख सकते हो काफ़ी लंबी चौड़ी बावड़ी है यहाँ पे, लेकिन अभी इसकी हालत जर्जर हो चुकी है और ये एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन पानी इसमें आज भी है। दोस्तों हम अब हिंगलाजगढ़ के किले का जो मुख्य द्वार हैं, जो इसको सुरक्षा देने वाली बड़ी सी दीवार हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस द्वार का नाम है सूरज पोल द्वार। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी मोटी दीवार का बनाया गया है, लेकिन इसका जो गेट है वो अभी पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों जो अब बावड़ी है, अब हम उसका सीन आपको दिखाएंगे। जो बावड़ी की सीढ़ियां हैं, ये बहुत ही संकरी बनाई गई हैं, तब इसके नीचे उतरेंगे। ये यहाँ पे आ गए हम, अब देखो ये काली परी सेल्फी ले रही है। लो देखो काली परी, सब्सक्राइबर को बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आप भी बोल दो, मैं कुछ नहीं बोल। देखो देखो दोस्तों, मैं पूरा पानी तक जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो
दोस्तों किले की दीवार के ऊपर का सीन आप देखिए कैसा दिखाई देता है। एक गुम्बद तो हट जाऊं। ओ टी मेरी भी है। हाँ ये देखो ओए पोल ओए उठी पड़ गए उठी मचा सुरक्षा रहती थी पहले तो फिर देख ये बंदूक का निशान है कहाँ ओए ये हाँ हाँ वो भी दुश्मन आता नहीं तो यहाँ से बंदूक चला था। दोस्तों अब हम हिंगलाजगढ़ के पास जो गांधी सागर डैम है उसमें एक रिजॉर्ट है वहाँ पे हम बोट पे गए थे तो उसका सीन आप देख सकते हो।